हाय दोस्तों, आज मैं अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। मैं लेके आया हूँ एक हज़ार्ड स्विच, मतलब कि फ्लैशर, बाइक का फ्लैशर जो होता है ना, उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं, शायद 1600 मॉड्यूल हैं। तो आइए उसको अपनी बाइक में लगाते हैं स्प्लेंडर में, और मैं आपको बहुत ईजी तरीके बताऊँगा लगाने का, तो देखते हैं, चलिए। तो दोस्तों, मैंने ये वाइजर पहले ही खोल लिया था, क्योंकि मेरे पास कैमरे पकड़ने वाला कोई है नहीं, तो मेरे को ही कैमरा पकड़ना है और मेरे को ही बताने हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वाला हजार्ड स्विच ले हजार्ड फ्लैशर लेकर आया हूँ। ये 200 रुपये का आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा, है ना। इसमें 16 मोड है, और एक आपके पास ये स्विच, मेरे पास पुराना पड़ा था तो मैं पुराना ही यूज़ कर लूँगा, आप नया लाओ तो नया ले आना। इस स्विच की यहाँ से वायर ले जाके और यहाँ ला के छोड़ दो, है ना। पहला काम तो ये ख़त्म है आपका। एक आपकी हजार्ड स्विच में आप देखना, ये जैसे दो ब्लू कलर की वायर है, ऐसी दो पीली भी हो सकती हैं, दो ग्रीन भी हो सकती है, पर दोनों सेम होंगी, है ना। और एक ब्लैक और एक रेड, ये हर किसी में ब्लैक और रेड ही होती है, इन दोनों का बदल सकता है कलर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों ब्लू कलर की वायर को इंडिकेटर के पॉजिटिव पॉजिटिव में लगा दो, मतलब कि लेफ्ट वाले के पॉजिटिव में और राइट वाले इंडिकेटर के भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव वायर मैं आपको बता देता हूँ, पॉजिटिव एक तो है आपकी ऑरेंज कलर वाली वायर, और एक है आपकी ये लाइट स्काई ब्लू कलर की है, ये कुछ इस तरीके की। इन दोनों में ये ब्लू कलर की वायर लगा दो, है ना, चाहे ये ब्लू इधर लगा दो या ये ब्लू वाली इधर लगा दो, पर इन दोनों में ही लगानी है, ठीक है। ये आपका आधा काम खत्म, बची दो वायर। दो वायर में से नेगेटिव को ला के इस ग्रीन वाली इंडिकेटर की वायर है ना, उस पर लगा दो। ये जो ब्लैक वाली थी ना, ये ग्रीन में लगा देना, ठीक है। और बची अब आपकी रेड कलर की वायर। अब मैं समझा देता हूँ आपको, इस स्विच में से जो वायर नीचे लाई है ना हमने, दो दिखाना चाहूँगा, ये दो वायर थी ग्रीन और ब्लैक, इनमें से एक वायर इस लाल वाले के लगा दो, बची एक वायर ये ब्लैक स्विच की। हजार स्विच का तो पूरा काम कंप्लीट हो ही गया अपना। तो ये ब्लैक वाली वायर आपको, ये जो अपने यहाँ जिसमें चाबी लगाते हैं ना पलक, इसकी वायर में देखना, ये ऐसा सॉकेट होगा, देखो ऐसा, इसमें एक रेड कलर का ये दिख रहा है, ये रेड वाली वायर, इसको बीच में थोड़ा सा छील के और एक इसमें लगा देना, ठीक है। और बाकी जो इंडिकेटर के जैसे कनेक्शन थे ना, वैसे के वैसे छोड़ देना, इनको छेड़ना मत, इनको बस ऐसे बीच में छील छील के लगा देना, और फिर आपका ये रेडी है। मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप, यहां से मोड चेंज कर सकते हैं अपन। इसमें जितनी बार ऑन ऑफ करेंगे उतने ही नए नए मोड आएंगे। अब ये नया मोड आ गया, देखो। अब ये एक और दिखा देता हूं आपको, ये वाला मोड काफी बढ़िया लग रहा है। तो धन्यवाद भाई, इतनी थी वीडियो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भाई मैं ऐसी मॉडिफिकेशन की वीडियो लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। एक बार फिर से समझा देता हूँ भाई, कई भाइयों को समझ में नहीं आया हो तो, ये दो ब्लू कलर की वायर है ना, ये जाएंगी दोनों इंडिकेटर के पॉजिटिव में, मतलब दोनों के पॉजिटिव, उसके भी पॉजिटिव और इसके भी पॉजिटिव, है ना। तो एक लगा देंगे लेफ्ट वाले के पॉजिटिव में, एक लगा देंगे राइट वाले के पॉजिटिव में। ये ऑरेंज और स्काई ब्लू, ये है पॉजिटिव, और ये ग्रीन है, ये नेगेटिव है। तो दोनों को इस पॉजिटिव में लगा दिया, ब्लू कलर वाली रेड है, रेड को अपन छोड़ देंगे अभी, और ये ब्लैक है, ब्लैक को लगा देंगे ग्रीन इंडिकेटर की वायर थी ना जो नेगेटिव, उसमें लगा देंगे छील के बीच में, है ना। और स्विच की वायर यहाँ से ला के यहाँ छोड़ देंगे, जिसमें से लाल कलर की एक वायर स्विच के एक वायर में कनेक्ट कर देंगे, और काली वाली है ना वो यहाँ इसमें छील के, ये जो आ रहा था ना चाबी लगाते हैं जिसमें से पलक, इसकी एक रेड कलर की होगी, रेड एक ही होती है इसमें, उसमें छील के बीच में लगा के अच्छे स्टेप कर देना भाई। धन्यवाद भाई, कोई भी आप डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा आपका, अगर मैं ऑनलाइन रहा तो। धन्यवाद।